एक्स वाई और जेड पार्टनर हैं जो पहले प्रॉफिट शेयर किया करते थे आपस में इन द रेशियो 5:3:2। उन्होंने डिसाइड किया कि वो 1 अप्रैल 2023 से आपस में प्रॉफिट शेयर करेंगे इन द रेशियो 2:3:5। जिस दिन उन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया, उस दिन उनके बुक्स के में यानी बैलेंस शीट में ये फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर कर रहे थे। जनरल रिजर्व था ₹6,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस था ₹24,000, उसके अलावा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस था ₹12,000। आपसे कहा गया कि आप एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करिए विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू ऑफ अबव फिगर्स। ठीक है बच्चों, तो आपको जो है ये एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है इनके बुक वैल्यूज को अफेक्ट करे बिना, यानी इन्हें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, और एज इट इज सेम बैलेंसेस बैलेंस शीट में जो नई बनाई जाएगी ऑफ द रिवाइज बैलेंस शीट बनाई जाएगी ऑफ द न्यू फर्म उसमें शो करना है। ठीक है बच्चों, तो पहले ये पता करते हैं कि जो एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाएगी वो किस अमाउंट के लिए की जाएगी, क्योंकि एडजस्टमेंट एंट्री आपको एक ही पास करनी है, तीन नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये जो जनरल रिजर्व होता है ये क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी एक क्रेडिट बैलेंस है, बट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस एक डेबिट बैलेंस है। तो आपका ओवरऑल बैलेंस जो निकल कर आएगा जिसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, तो उसके लिए आपको इन दोनों को ऐड करना है और इसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हो जाएगा 18,000, 6,000 + 24,000 30,000 - 12,000 दैट इज 18,000। तो आपको 18,000 के लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। अब एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए पार्टनर्स का हमें ना ओल्ड रेशियो चाहिए ना न्यू रेशियो चाहिए, हमें पता करना है पार्टनर्स का सेक्रीफाइस और गेन। ठीक है बच्चों, जो एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाती है वो गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर की जाती है अगर आपका अमाउंट जो है वो क्रेडिट हो यानी प्रॉफिट्स हो ओवरऑल, और सेक्रीफाइजिंग टू गेनिंग पार्टनर की जाएगी अगर आपका ओवरऑल अमाउंट डेबिट हो। ठीक है, लेकिन हमारे जो फिलहाल हमारे क्वेश्चन में जो अमाउंट है वो है पर क्रेडिट 18,000, तो एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर। तो आइए पता करते हैं बच्चों कौन सेक्रीफाइस कर रहा है कौन गेन। तो पहले एक्स के बारे में बात करते हैं, एक्स का ओल्ड शेयर है 5/10, नया शेयर है 2/10। एक्स के ओल्ड शेयर में से उसका न्यू शेयर माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 3/10, और आंसर पॉजिटिव आया इसका मतलब होता है कि एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है। वाई का पुराना शेयर भी 3/10 है, नया शेयर भी 3/10 है, तो वाई का जो रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा, इसका मतलब वाई ना ही गेन कर रहा है ना ही सेक्रीफाइस कर रहा है। बात करें बच्चों जेड की, तो जेड का पुराना शेयर है 2/10, नया शेयर है 5/10, तो 2/10 माइनस 5/10 होता है बच्चों माइनस का 3/10, इसका मतलब जेड जो है वो गेन कर रहा है। अब हमारा एडजस्टमेंट अमाउंट आया था 18,000। ठीक है, तो एडजस्टमेंट एंट्री जो बनाई जाएगी वो बनेगी जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट, और 18,000 का 3/10 निकाल लीजिए, जेड डेबिट होगा क्योंकि वो गेन कर रहा है और एक्स क्रेडिट होगा क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रहा है। 18,000 × 3/10 होता है बच्चों 5,400। तो आपकी एंट्री बनेगी जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट 5,400। ठीक है बच्चों, तो ये बन गई बच्चों हमारी एडजस्टमेंट एंट्री। वाई ना डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ, सिंपल रीज़न इसका यही है कि वाई ना ही गेन कर रहा था वाई ना ही सेक्रीफाइस कर रहा था। अभी 18,000 कैसे आया दोबारा बताता हूँ बच्चों, जनरल रिजर्व का 6,000, पिनल अकाउंट का 24,000, दोनों क्रेडिट बैलेंसेस थे तो दोनों जोड़कर हो गया 30,000, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का बैलेंस डेबिट होता है वो है 12,000, तो नेट अमाउंट जो तीनों का निकल कर आया वो 18,000 क्रेडिट था। 18,000 को हमने इनके गेन और सेक्रीफाइस से मल्टीप्लाई कर दिया 3/10 3/10 जो कि निकल कर आया 5,400, और जेड क्योंकि गेन कर रहा था इसलिए उसे डेबिट किया गया, एक्स क्योंकि सेक्रीफाइस कर रहा था इसलिए उसको क्रेडिट किया गया, और इस तरह से हमारी ये एंट्री बन गई।